प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। विशेष तौर से बड़ी बात उन कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर करेंगे जो कि एनपीएस के दायरे में आते हैं, क्योंकि महंगाई भत्ता देने पर आदेश इनके लिए जारी हुए हैं। फिलहाल कितना ज्यादा लाभ इन्हें मिलने वाला है, कितनी इनकी संख्या है, इससे संबंधित पूरी अपडेट आज हम आप तक पहुंचाएंगे। दूसरी बड़ी बात लोन को लेकर करेंगे, क्योंकि 600 करोड़ का लोन एक दफा फिर सरकार इस महीने में लेने जा रही है और इससे कितना असर पड़ेगा, इसके बाद कितनी लोन लिमिट सरकार के पास बच जाएगी, ये भी जानकारी देंगे। दिल्ली से 1480 करोड़ रुपए आए हैं, ये भी जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। और पूर्व जयराम सरकार की एक और पॉलिसी वर्तमान सरकार ने बदल दी है, ये कौन सी पॉलिसी में बदलाव हुआ है, जानकारी ये भी लाए हैं। स्पेशल एजुकेटर्स के कितने पद भरे जाएंगे, आरएनपी रूल्स फाइनल हो गए हैं, किस तरह के रूल्स रखे गए हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या है, ये भी जानकारी बिल्कुल हम आपको देने वाले हैं। क्योंकि स्पेशल एजुकेटर के 245 पद भरे जा रहे हैं जिसके लिए आरएनपी रूल्स फाइनल हो गए हैं, 2003 के बाद पहली मर्तबा ये रेगुलर तौर पर भर्ती होने जा रही है। हालांकि आज एक एसोसिएशन स्पेशल एजुकेटर्स की मिली थी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से, इन्होंने ये निवेदन किया है कि एक तो बैचवाइज माध्यम से ये भर्तियां होनी चाहिए, 50% भर्ती बैचवाइज माध्यम से की जाए, लेकिन ये संभव नहीं है, इसमें कुछ नियम बीच में आ रहे हैं। और दूसरी डिमांड इनकी ओर से ये भी रखी गई थी कि जमा दो में जिसके 50% अंक नहीं है बैचलर डिग्री के मार्क्स उसके काउंट कर लिए जाएं, लेकिन यहां भी नियम आड़े आ गए हैं जिस वजह से ये मांग भी पूरी नहीं हो सकती है। कुल मिलाकर बात ये है कि आरएनपी रूल्स फाइनल हो गए हैं, जल्दी ही अब भर्ती प्रोसेस इनका शुरू होगा, रेगुलर तौर पर ये भर्ती होने जा रही है। जो शैक्षणिक योग्यता इसमें रखी गई है उससे जुड़ी जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि इसमें प्री प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के लिए 138 शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। 6ठी से 12वीं कक्षा तक जो शिक्षक यानी कि स्पेशल एजुकेटर पढ़ाएंगे वो 107 इसमें संख्या रखी गई है। पहली से पांचवी तक 138 शिक्षक भर्ती किए जाएंगे और 6ठी से 12वीं तक के स्पेशल चाइल्ड्स को पढ़ाने के लिए 107 स्पेशल एजुकेटर भर्ती किए जाएंगे। अब इनके पास देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। पहली से पांचवीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने वाले 138 स्पेशल एजुकेटर के पास योग्यता 50% में जमा दो परीक्षा और रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव संस्थाओं से डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी चाहिए और क्रॉस डिसेबिलिटी एरिया में पढ़ाने का 6 महीने का अनुभव भी इनके पास होना चाहिए, तभी ये इन 138 पदों के लिए अपनी ओर से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा टेट अनिवार्य किया गया है, टेट पास होना इनके लिए ज़रूरी है। दूसरी बात, जो 6ठी कक्षा से जमा दो कक्षा के छात्रों को स्पेशल एजुकेटर्स पढ़ाएंगे उनके लिए देखिए जो क्राइटेरिया रखा गया है यानी कि जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, ग्रेजुएशन डिग्री में 50% अंक होने चाहिए, इसी के साथ आरसीबीआई से बीएड डिग्री के साथ डिप्लोमा होना चाहिए और टेट इनके लिए भी अनिवार्य किया गया है। तकरीबन 5000 से ज़्यादा बच्चे रजिस्टर्ड हैं जो कि स्पेशल चाइल्ड हैं और इन्हें पढ़ाने के लिए ही भर्ती किए जाएंगे स्पेशल एजुकेटर्स, जो कि कुल मिलाकर 245 पद हैं। और प्री प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए 138 यानी कि ये पहली से पांचवी कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए 138 पद भरे जा रहे हैं, फिर 6ठी से 12वीं के लिए 107 पद भरे जाएंगे। जो डिमांड्स इनकी ओर से दो आज शिक्षा मंत्री के समक्ष रखी गई हैं, फिलहाल एक तरह से हमें पूरी ना होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत सारे नियम बीच में आ रहे हैं, ना बैचवाइज माध्यम से भर्ती हो सकती है और ना ही वो 50% अंक जो जमा दो के बजाय बैचलर डिग्री के लेने की बात हो रही है, फिलहाल वो भी एक तरह से इम्पॉसिबल ही है। हालांकि आने वाले समय में विचार हो तो अलग बात है। देखिए शिक्षकों के लिए एक्सपोजर विजिट शुरू किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें दौरे पर भेजा जा रहा है ताकि ये बाहर के स्किल्स अपना सके, कैसे वहाँ पर छात्रों को शिक्षा प्रदान की जा रही है, इसके लिए एक दफ़ा फिर शिक्षा विभाग की ओर से आवेदन मांग लिए गए हैं और ये तीसरी बार टूर करवाया जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। पहली बात तो ये कि 5 ही दिन यहाँ आवेदन करने के लिए दिए गए हैं शिक्षकों को, आवेदन के साथ उन्हें बताना होगा उनकी क्या खास परफॉर्मेंस रही है, उनका सेवा काल कैसा रहा है, कितने समय का रहा है, अपनी पोस्टिंग को लेकर, उपलब्धियों को लेकर, जो पुरस्कार उन्हें मिले हैं उस पर भी पूरी जानकारी देनी होगी, उसके बाद छंटनी होगी। हालाँकि अभी जो तिथि है वो 5 दिन का समय दिया गया है आवेदन करने के लिए, लेकिन आवश्यकता अनुसार इस तिथि को बदला भी जा सकता है। इसमें टीजीटी को 15, सीएनवी को 15 और जेबीटी को 30 अंक तय किए गए हैं। कुल 22 अंकों में से शिक्षकों का चयन होने वाला है। इसमें टीचिंग अनुभव के 5, स्टेट और नेशनल अवार्ड प्राप्त शिक्षक को 5 अंक, पीजी और एमफिल डिग्री के 5 अंक और हाई और ट्राइबल एरिया में सर्विस के 5 अंक, छात्रों के लिए शैक्षणिक क्षेत्र में किए गए कार्यों के 2 अंक तय किए गए हैं। अब आपने इसमें कितने कार्य किए हैं, आपने कौन सी अन्य गतिविधियों में अपनी
भागीदारी दिखाई है, दुर्गम क्षेत्रों में सेवा कितने समय तक दी है ये भी यहाँ देखिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखेगा, 5 अंक इसके लिए दिए गए हैं। पीजी और एमफिल डिग्री भी की है तो इसके लिए भी 5 अंक इसमें मिलने वाले हैं। नेशनल अवार्ड अगर किसी शिक्षक को मिला है तो 5 अंक उसके लिए मिलेंगे, और टीचिंग अनुभव कितना है उसके आधार पर भी यहाँ 5 अंक रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर ये अंक आपके कितने बनते हैं उसी अनुसार आपका चयन होने वाला है, और टीजीटी को 15, सीएनवी को 15 और जेबीटी को 30 अंक इसमें पहले से देखिए तय किए गए हैं। स्कूलों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है, जल्द से जल्द इन्हें आवेदन करना होगा, और इस बार आवेदन करने के दिन बहुत कम रखे गए हैं क्योंकि पिछली बार जब एक्सपोजर विजिट पर टीचर्स को भेजा गया था और आवेदन जब मांगे गए तो लंबा समय था, जिसमें कई तरह की शिकायतें भी आई, कुछ शिक्षक अप्रोच भी लगा रहे थे जो काबिलियत भी नहीं रखते थे, यानी कि पात्रता उनके पास सही से नहीं थी। तो इस बार ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अप्रोच सिस्टम में जाने का समय ही शिक्षकों को ना मिले, इसलिए ये 5 दिन की अवधि महज रखी गई है आवेदन लेने के लिए। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है तो इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है, ये भी यहाँ शिक्षा विभाग की ओर से कह दिया गया है। पेंशनर्स की बैठक टल गई है, ये अगले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक करने वाले थे, बात हम यहाँ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की कर रहे हैं जिसे लेकर इन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन 3 दिन की छुट्टी है जिस वजह से बैठक टली है, ये पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का मानना है। एसोसिएशन के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा का कहना है कि फिलहाल अभी 3 दिन की सरकारी छुट्टियां हैं, इस वजह से ये बैठक नहीं हो पाएगी, लेकिन अब ये मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हैं कि 13 अक्टूबर 12 या 11 अक्टूबर ना सही लेकिन अब 14 अक्टूबर को जरूर इन्हें बैठक के लिए बुलाया जाएगा, इन्हें 14 अक्टूबर की तिथि का बेसब्री से इंतजार रहेगा। ये डीए एरियर पर तो मांग उठा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका ये कहना है कि जो पहले कर्मचारियों को सैलरी दी जा रही है और पेंशनर्स को पेंशन बाद में दी जा रही है ये इनके साथ बड़ा अन्याय है, इन्हें भी बिल्कुल अपनी पेंशन की आवश्यकता वैसे ही रहती है जैसे किसी कार्यरत कर्मचारी को सैलरी की आवश्यकता पहले दिन पड़ती है, अब महीने की पहली तारीख को ही इन्हें भी अपनी पेंशन चाहिए क्योंकि बहुत सारे भुगतान इन्हें भी करने होते हैं, किराया भी देना है, बच्चों का खर्च भी उठाना है, इसके अलावा अपने इनके बहुत से खर्चे हैं। तो इस बात से ये बिल्कुल सहमत नहीं है जो इस बार भी 9 तारीख को पेंशन दी गई, हालांकि विभिन्न विभागों में बोर्ड्स में कॉर्पोरेशंस के ये पेंशनर्स को पेंशन मिल गई, लेकिन एचआरटीसी के पेंशनर्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में हैं, आज भी उन्हें पेंशन नहीं मिल पाई है। 9 तारीख निर्धारित की गई थी, 9 तारीख के बाद अब यहाँ 10 तारीख आज आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी पेंशन उन्हें नहीं दी गई, और इस पर आक्रोश अब एचआरटीसी पेंशनर्स भी दिखा रहे हैं। उनका ये कहना है, पहली बात ये एचआरटीसी कर्मचारियों के साथ अब गेट मीटिंग करेंगे और प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार हैं, और दूसरी बड़ी बात 12 अक्टूबर को अभी क्योंकि एचआरटीसी की ओर से 50 वर्ष का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, एचआरटीसी प्रबंधन ने इसे लेकर तैयारियां करना शुरू कर दिया है, जोरों से ये कार्यक्रम एक तरह से मनाया जाएगा और हर एचआरटीसी यूनिट पर उस दिन मिठाइयां बांटी जाएंगी, साज सजावट की जा रही है, तरह तरह की तैयारियां हैं क्योंकि 50 साल एचआरटीसी के पूरे होने जा रहे हैं। लेकिन इसी बड़े कार्यक्रम का बहिष्कार किया जाएगा पेंशनर्स की ओर से, ये अभी ऐसा सोच विचार कर रहे हैं, ये भी एचआरटीसी पेंशनर्स की ओर से आज कह दिया गया है। फिलहाल अभी ये रणनीति तैयार करेंगे अगले 1-2 दिन में कि ये 12 अक्टूबर वाला कार्यक्रम इसका बहिष्कार करना है या नहीं, इसमें ये अपनी भागीदारी दिखाने वाले हैं या नहीं। जो ये 50 वर्ष का कार्यक्रम है इसमें बहुत सारे पेंशनर्स को भी क्योंकि सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने इतनी वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन आज ये काफ़ी आक्रोश में है क्योंकि इनकी पेंशन तक समय से नहीं आ पा रही है, पूरी जिंदगी जिस कॉरपोरेशन को दी उसी कॉरपोरेशन से अब पेंशन भी देरी से आ रही है और बाकी भत्तों का भी भुगतान नहीं हो रहा है, मेडिकल रिवर्समेंट के बिल भी इनके लटक गए हैं, इसके अलावा पेंशन समय से नहीं आती है और बाकी भत्ते भी इनके नहीं दिए जा रहे हैं, डीए एरियर की भी लड़ाई अब इनकी लंबी हो गई है। खैर, डीए एरियर की लड़ाई सिर्फ पेंशनर्स की नहीं कर्मचारियों की भी है और अभी ऑल ओवर हिमाचल में हमें इसका बड़ा असर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इस सबके बीच देखिए प्रबंधन की ओर से क्या कुछ कहा गया, जब निगम से हमने जानकारी ली तो एचआरटीसी का कहना है कि ये कुल 55 करोड़ रुपए ही सरकार की ओर से जारी किए गए थे प्रबंधन को, इसमें 45 करोड़ रुपए वेतन के लिए ही खर्च हो गए, बाकी के 10 करोड़ बचे, 10 करोड़ में से 5 से 6 करोड़ खर्च हो गया टायर के खर्चे पर और कुछ बसेस और कुछ पार्ट्स रिपेयर करवाने पर। अब इसके अलावा अलग से यहाँ 15 करोड़ मांगे गए हैं सरकार से, हालांकि ये 20 करोड़ की आवश्यकता रहती है पेंशन देने के लिए क्योंकि 7,000 के करीब यहाँ पेंशनर्स हैं, 20 करोड़ रुपए इसके लिए मासिक चाहिए, लेकिन 5 करोड़ अभी बचे हैं निगम के पास और फिर 15 करोड़ की और आवश्यकता है, ये मांग लिए गए हैं, जब सरकार से मिलेंगे तो इनकी पेंशन का भुगतान भी होगा। अब एचआरटीसी पेंशनर्स की बात सही है कि जब बाकी विभागों के पेंशनर्स को पेंशन मिल गई है तो इन्हें इतना ज़्यादा इंतजार क्यों करना पड़ रहा है, ये इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है, इस वजह से आक्रोश दिखा रहे हैं और जो 50 साल का कार्यक्रम होने जा रहा है उसका बहिष्कार करेंगे, ये भी इनकी ओर से अभी सोच विचार किया जा रहा है।
देखिए तीसरी ओर सचिवालय कर्मचारियों ने फिर हुंकार भर दी है। सचिवालय कर्मचारी एसोसिएशन का कहना है कि अब ये भी नहीं रुकेंगे, 15 अक्टूबर को फिर जनरल हाउस बुला रहे हैं, जनरल हाउस में अगली रणनीति तैयार करेंगे। अभी तक इन्होंने आंदोलन नहीं किया है, लेकिन अब आंदोलन की रूपरेखा इनकी ओर से तैयार की जाएगी अगर 15 अक्टूबर से पहले इन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता है। एसोसिएशन के कुछ प्रतिनिधियों का ये मानना है कि उम्मीद इनमें जग गई थी जब पता लगा कि पेंशनर्स को बुलाया है 11 अक्टूबर को बैठक के लिए, लेकिन इस बैठक को भी स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद इनकी उम्मीदें फिर टूटी हैं। अब पेंशनर्स के साथ बैठक नहीं हो रही तो इन कर्मचारियों के साथ आखिरकार कब तक होगी, ये सवाल इनकी ओर से उठाए जा रहे हैं। अब इनका मानना है कि जनरल हाउस 15 अक्टूबर को बुलाएंगे, इससे पहले अगर वार्ता के लिए सरकार बुलाती है तो अच्छी बात है, और नहीं बुलाती है तो फिर अगली रूपरेखा इनकी ओर से तैयार की जाएगी। ये और ज़्यादा इंतजार अपने डीए एरियर पर अब नहीं करने वाले हैं। हालांकि डीए एरियर ऊपर इनकी मुख्य मांग अब ये हो चुकी है कि जो प्रिविलेज मोशन इनके लिए जारी किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। आज तक कर्मचारी नेताओं को प्रिविलेज मोशन को फेस नहीं करना पड़ा है, लेकिन अब पहली मर्तबा ऐसी सिचुएशन बनी है, इसलिए ये प्रिविलेज मोशन सबसे पहले वापस लिए जाए और इनके डीए और एरियर की मांग भी पूरी होनी चाहिए। तमाम मांगे और इन्होंने सरकार के समक्ष रखी है। इससे पहले देखिए क्या हुआ कि इन्हें शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने वार्ता के लिए बुलाया, इनकी सभी डिमांड्स भी पूछी और फिर ये कहा कि अगले 4 से 5 दिन में मुख्यमंत्री के साथ वो इनकी वार्ता करवाएंगे, जिस वजह से इन्होंने अपना पिछला जनरल हाउस स्थगित कर दिया। और फिर ठीक उसी बीच मुख्यमंत्री अस्वस्थ हो गए थे, इन्होंने इंतजार करना बेहतर समझा, कई दिन तक इनकी ओर से इंतजार भी किया गया। अब इनका मानना है कि सोमवार से फिर अपना कार्यभार मुख्यमंत्री ने संभाल लिया है, तकरीबन 4 से 5 दिन बीतने में आए हैं, अभी तक वार्ता के लिए नहीं बुलाया, और अगर नहीं बुलाया जाता है तो फिर ये आंदोलन को लेकर रूपरेखा तैयार करने वाले हैं। खुशखबरी है उन कर्मचारियों के लिए जो कि एनपीएस के तहत आते हैं या फिर ऑल इंडिया सर्विस वाले अधिकारी हैं। दरअसल इनके लिए क्योंकि आज आदेश जारी हो गए हैं और ये वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं जो कि महंगाई भत्ते पर हैं। आदेशों में स्पष्ट ये कर दिया गया है कि महंगाई भत्ता अब पूरी तरह से इन्हें दिया जाएगा, यानी कि महंगाई भत्ते का भुगतान इन्हें अब पूरा होगा। ये उन कर्मचारियों के लिए भी राहत भरी खबर है जो कि एनपीएस के तहत आते हैं। कुल मिलाकर ये संख्या 1,250 के करीब है। और इसके अलावा जो ऑल इंडिया सर्विस में अधिकारी हैं इनकी संख्या 160 के करीब यहाँ है। जो आदेश जारी किए गए हैं उसमें ये बात भी स्पष्ट रूप से रखी गई है कि ये ध्यान में हिमाचल सरकार के आया है, जो यहाँ एनपीएस के तहत कर्मचारी और अधिकारी हैं इनकी पेंशन पर असर पड़ सकता है, वो इस वजह से क्योंकि सेंटर के बराबर इन्हें डीए नहीं मिल रहा है, तो अब इन्हें सेंटर के बराबर ही महंगाई भत्ता मिलेगा। ये आज की अधिसूचना में या एक तरह से जो आदेश जारी किए गए हैं उसमें स्पष्ट हो चुकी है बात, सेंटर के बराबर इन्हें महंगाई भत्ता दिया जाएगा ताकि आने वाले समय में इनकी पेंशन पर कोई असर ना पड़े। हालांकि पहले भी इन कर्मचारियों के अधिकारियों की ओर से ये बात कही जा रही थी कि सेंटर के बराबर इन्हें यहाँ पर डीए नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से इनकी पेंशन पर असर होगा, लेकिन अब सरकार ने जब इस बात पर गौर किया तो ये भी निर्णय ले लिया गया है कि सेंटर के बराबर ही ने यहां पर डीए मिलता रहेगा ताकि इनकी पेंशन पर कोई असर ना हो। एनपीएस के तहत ये 1,250 के करीब कर्मचारी हैं, 160 इसमें ऑल इंडिया सर्विस वाले अधिकारी हैं, और इनके लिए ये राहत भरी खबर है कि अब महंगाई भत्ते को लेकर इन्हें चिंता नहीं करनी होगी, पूरा महंगाई भत्ते का ही अब इन्हें भुगतान होने वाला है आने वाले समय में। और एक चीज़ और है कि देखिए अगर सेंटर में आने वाले समय में महंगाई भत्ता मान लीजिए बढ़ाया भी जाता है तो ऑटोमेटिकली इन पर भी वो लागू होगा, क्योंकि अब सेंटर के बराबर ही इन्हें यहाँ पर महंगाई भत्ता मिलने वाला है, तो पेंशन में भी लाभ होगा और पेंशन पर इसके अलावा कोई नेगेटिव असर नहीं होगा जैसा कि पहले इनकी ओर से शिकायत की जा रही थी। हिमाचल सरकार ने इस महीने 600 करोड़ लेने का निर्णय लिया है, पिछले महीने 700 करोड़ लिए थे, इसके बाद 1000 करोड़ की लिमिट ही सरकार के पास बच जाएगी। हालांकि ये निर्णय ले लिया गया है और आज गुरुवार को ही नोटिफाई कर दिया गया है, ठीक एक हफ्ते के भीतर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये राशि भी जारी हो जाएगी और दिसंबर के बाद ही आखिरी तिमाही के लिए अलग से लोन लिमिट भारत सरकार फिर नोटिफाई करेगी, क्योंकि 1000 करोड़ की लोन लिमिट ही अब इसके बाद यहाँ राज्य सरकार के पास बच गई है। तो अभी दिसंबर तक कैसे इससे काम चलाया जाता है देखना होगा, क्योंकि नई लिमिट दिसंबर के बाद ही तय होगी। दिल्ली से 1480 करोड़ रुपए आए हैं। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने राज्य को टैक्स में हिस्से के तौर पर 1,68,163 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया है। इसमें एक रेगुलर किस्त है और एक एडवांस किस्त जारी की गई है। हिमाचल को करों में हिस्से के तौर पर हर महीने
740 करोड़ केंद्र सरकार से मिलते हैं, लेकिन इस बार हिमाचल को 1480 करोड़ मिल रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों को फेस्टिवल सीजन से पहले अपने खर्च चलाने और पूंजीगत खर्च बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार यह एडवांस किस्त दे रही है। कुछ आंकड़ों से जुड़ी ये बड़ी खबर हम लेकर आए थे और बारीकी से हमने आप तक ये जानकारी पहुँचाई है कि जो 1480 करोड़ रुपये आए हैं फिलहाल, इससे पहले भी क्योंकि ये सवाल हमसे लगातार पूछा जा रहा था इसी बजट को लेकर, तो ये जानकारी देना हमने ज़रूरी समझा। उधर एक हिमाचल प्रदेश के तमाम एनपीएस में जितने भी ओपीएस को अडॉप्ट करने वाले कर्मचारी, उनके लिए एक अच्छी खबर आई है और ये अच्छी राहत भरी खबर ये है कि पहली बार किसी को एन्यूटी से वापस 40% पैसा ले सकते हैं। पहले थी केवल गंभीर बीमारी की स्थिति में 40% की निकासी संभव थी। जिला अध्यक्ष एनपीएस से चंबा सुनील जरियाल ने कहा कि सेवानिवृत्त रमन कांता देश की पहली सामान्य निकासी से 40% राशि वापस लेने वाली पहली कर्मचारी, देश की पहली कर्मचारी चंबा की बनी है। जरियाल ने बताया कि रमन कांता का एनएसडीएल के पास अब कोई पैसा शेष वापस नहीं बचता, क्योंकि वह भी एनपीएस में थी, बाद में उन्होंने ओपीएस अडॉप्ट कर लिया। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि रमन कांता को भी उसका पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन रमन कांता को ओपीएस मिलने के बाद 10 महीने बाद पूरा 40% पैसा वापस मिल गया। ये एक बड़ी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि शुरुआत देश के ऐसे इंप्लॉइज की चंबा से हुई और माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के तमाम 1.5 लाख ऐसे कर्मचारी जो एनपीएस से ओपीएस में आए हैं उन्हें भी अब केंद्र से पैसा वापस मिल जाएगा, क्योंकि शुरुआत चंबा से हो गई है। कांता ने भी इस पर जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने भी कहा कि उनके लिए खुशी की बात है, क्योंकि उन्हें लगता था कि जिस प्रकार की मीडिया में खबरें आ रही थी, जिस प्रकार के बयान सरकार के आ रहे थे या जिस प्रकार की दलीलें दी जा रही थी कि जो एनपीएस के कर्मचारी जो ओपीएस को अडॉप्ट किया है उन्हें अब पैसा वापस सामान्य परिस्थितियों में नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा अब मेरा 5 पैसे भी बकाया राशि केंद्र के पास नहीं है, मुझे मेरा पैसा वापस मिल गया है। हिमाचल प्रदेश में अगले माह JBT, TGT और CNB के 2800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए राज्य चयन आयोग हमीरपुर को सिर्फ राशि भेजने की शिक्षा विभाग ने यहां पर तैयारी सिफारिश भेजने की शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने निर्देश पर भर्ती प्रक्रिया से संबंधित नियमों में बदलाव जारी किया जा रहा है। इस माह के अंत तक भर्ती एवं पदोन्नति नियम तैयार कर आयोग को विज्ञापन के लिए जारी कर दिए जाएंगे, इसकी सूचना रोहित ठाकुर ने दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 2800 नए शिक्षकों को स्कूलों में नियुक्त करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए हम हमीरपुर के माध्यम से भर्तियां करवा रहे हैं। एनटीटी की बात की जाए तो यह एनटीटी यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट है। सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या के आधार पर एनटीटी शिक्षकों की भर्ती होगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने HPDC को पत्र जारी कर स्कूलों की पूरी जानकारी भेजी है, जिसमें 6200 स्कूलों को छात्र संख्या के आधार पर जिला वाइज ब्यूरो HPDC को भेजा है। विभाग ने HPDC को कहा है कि इससे पहले 20 से ज़्यादा छात्रों की संख्या वाले स्कूलों में एंटिटी नियुक्त किए जाएंगे, उसके बाद 15 और उसके बाद 10 की संख्या वाले ऐसे कम संख्या वाले स्कूलों में एंटिटी को नियुक्त किया जाएगा ताकि छात्रों की पढ़ाई तय नियमों के तहत स्कूलों में हो सके। विभाग ने HPDC के एंटिटी भर्ती नियम के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी भी मांग ली है।